नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ बाइसल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और NR4 NR7 इनसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए ताकि आप लोग समझ सके कि ये कितना इफेक्टिवली काम करता है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये और ये फाइल मैंने एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। जो लोग मेरा पेट सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो उसका वो आप लोग ट्रायल में ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। उसका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और ये सैम्पल फाइल का इसका सैम्पल फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकता है। उसका लिंक भी ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो इसके बहुत सारा लिंक है, इम्पोर्टेंट लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारा वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो आप लोग देख पाएंगे। वो भी वीडियो सो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करेंगे और उसको जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है लिंक है वो आप लोग देख सकते हैं। और मेरा वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये वाइसल सिग्नल कम्स वाइसल लेवल और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो कि मैंने अगला दिन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स का वीडियो मेरा इस चैनल पे है और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है टेक्निक्स है जो आप लोग को ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग इसको देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का वीडियो मैंने दिखाने जाऊँगा। देखिए मैंने बोल देता हूँ, अभी मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए कि वाइसल मैंने वाइसल लेवल कम स्किनर दो फाइल शेयर करता हूँ। ये वाइसल लेवल कम स्किनर और वाइसल लेवल 3 दो फाइल शेयर करता हूँ। इसमें क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं है, कैसे इसको स्क्रीनिंग कर रहा है करना है ये आप लोग जरूर देख लीजिए। तो क्योंकि अभी वो सब बता नहीं जाऊँगा तो वाइसल लेवल का कैसे परफॉर्म किया वो दिखा नहीं पाऊँगा। देखिए मेरा जो फाइल शेयर किया था कल रात को मैंने फाइल शेयर किया था, आप लोग टाइम देख सकते हैं 1:33 AM में। तो उसके बाद रिकमेंडेशन दिया था उसको एक दो दिखाऊंगा। उसके बाद इनसाइड द वॉच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे परफॉर्म किया और कुछ टेक्निक है वो कैसे परफॉर्म किया वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली मैंने देखिए इधर RBL बैंक को देखता है, RBL बैंक इसमें कैसे परफॉर्म किया है। RBL बैंक का देखिए 348.58 मानो 348.60 या 308.6570 आप लोग पकड़ सकते हैं। बाई लेवल था और सेल लेवल था इसका 347 के नीचे। और इस फाइल से आप लोग देखेंगे तो वैसे लेवल 4 से आप लोग देखेंगे तो वैसे लेवल 4 से आप लोग देखेंगे तो RBL बैंक इधर 354 के ऊपर बाई लेवल था और 347 के नीचे सेल लेवल था। तो था 348 के ऊपर और ये 354 के ऊपर, ये 347 के नीचे और 348 के। चलिए देखते हैं चार्ट में। आप लोग हाई लो भी आप लोग चेक कर ले सकते हैं इधर से, मैंने आप लोग को आज का हाई लो भी दिखा देता हूँ। लेकिन चार्ट में देखने का जरूरी है क्योंकि तो इसका हाई हुआ है आज का। आप लोग भी इसका हाई लो आज चेक कर सकते हैं चार्ट से, और 347 इसका से लो हुआ है। तो देखते हैं इसमें RBL बैंक और फार्मा का 45 के ऊपर और मूविंग एवरेज है इसका अंदर। तो इस ऐसा सिचुएशन जो होता है आप लोग को डेली चार्ट में दिखाने का डेली चार्ट में देखिए ये जो काल का जो
ये जो कल का कैंडल था इसका मैंने इसको मैंने सिंपल कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो 100 डे का मूविंग एवरेज आप लोग देख सकता है, ये पिंक कलर, ये देखिए कल का बॉडी को, कैंडल को किसी ने कमांडो काट कर दिया। उसके बाद जब ये इसका हाई लो होता है, ये अच्छा खासा मूवमेंट ऐसे ही दे देता है। देख सकते हैं आप लोग इधर 1442 से, इधर 1442 से ये आज 1505, 1442 से ये 1505, कितना बड़ा कैंडल आप लोग देख। तो ऐसे तो अपोलो हॉस्पिटल गया, उसके बाद सोच लीजिए ग्रासिम को देखना चाहूँगा। नेट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे दिखाऊंगा। ग्रासिम को दिखाने का कोशिश करूँगा, देखते हैं ग्रासिम आता है कि नहीं। अजय भाई नेट दोस्तों को कुछ दिखा देता है। हाँ, ये जो ग्रासिम देखिए, इसका देखिए, इसका जो ये जो लो है आप लोग देख सकते हैं, इसका जो लो है, इसका 100 का ये मूविंग एवरेज ये काट किया है। तो देखिए उसके बाद ये जो ब्रेक किया है, कितना खासा अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। इधर हाई से आप लोग 747 का 4.40 जो हाई था, उसके बाद ये 768 तक ये ऊपर चला गया। तो ये टेक्निक पहले आप लोग को नहीं दिखाया था, तो अभी दिखाता हूँ, तो बाद में आप लोग फॉलो भी कर सकता है। जैसा अगर छोटा मोटा स्टॉक है छोड़ देता हूँ, NTPC भी छोड़ देता हूँ। रैम को सेम को एक बार देख लेता है, रैम को सेम कहाँ पर है बार देख लेता है, रैम को सेम कहाँ पर है इधर इसका देखिए, इसका भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो पिंक वाला जो है, ये 100 का, ये मैं 100 का मूविंग एवरेज है, इसको काट के, इसका बॉडी को काट किया और 759.50 कल का हाई था। और इसका आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल दिया है, 780.45 तक ये लो को नीचे तो आई नहीं। अब लोग लो हाई लो कुछ भी ब्रेक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हाई ब्रेक सब अच्छा हाई ब्रेक किया है। तो इधर आप लोग को अच्छा खासा मूवमेंट देने का पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। टाइटन को एक बार देख लेते हैं, टाइटन मैंने एक दो दिखाता हूँ और भी दिखाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप लोग को दिखाने का इरादा है। इधर देखिए टाइटन को, टाइटन देखिए इसका लो ब्रेक हुआ है 1152 का जब लो ब्रेक हुआ है, हाई का तो ऊपर गया ही नहीं था। तो इसका देखिए इधर ये पिंक कलर आप लोग देख सकते हैं, 100 का मूविंग एवरेज, इसका बॉडी का काट किया, मतलब हाई और लो का बीच में ये रहना चाहिए। कुछ भी इधर से काट हो सकता है, इधर से काट हो सकता है, बीच से काट हो सकता है, किसी भी जगह से काट होना चाहिए। तो इधर देखिए 1152 के नीचे ये 1140 तक दे दिया। तो उसके बाद टर्न पावर थोड़ा सा नहीं देखता है, क्योंकि ये मैंने जो छोटा मोटा स्टॉक्स है या जिसका वोल्टास को एक बार देख लेता है, वोल्टास इधर था, ठीक है इधर से लगा लेते हैं एक बार वोल्टास। वोल्टास को देख लेता है और इधर देखिए इसका लो ब्रेक किया है, इसका लो जब ब्रेक किया है 651 से इधर 647 तक आया है। तो जब इसके जब जिसका हाई वोलेटिलिटी रहता है और वॉल्यूम के साथ जब ब्रेक होता है उसका मैंने, तो इसीलिए मैंने वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब कुछ चीज़ मैंने इस इधर रखा है। और इनसाइड द जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको भी मैंने दिखाने का कोशिश करता हूँ। इधर बहुत सारा चार्ट का आप लोग पिछले वाला कैंडल वीडियो देख सकता है कि इधर वो इनसाइड द बाद जो ये ट्रेड NR4 NR7 वन डे का अंदर जो रहता है, वन डे का अंदर जब रहता है वो अगला दिन का हाई लो ब्रेक होना चाहिए, टू डे